वेलकम व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग एम्फियोक्सिस के ओरल हुड और वेलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने पूरा एंटीरियर इंड ऑफ एम्फियोक्सिस के बारे में स्टडी कर लिया है। तो ये शॉर्ट नोट्स में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। तो एम्फियोक्सिस की अगर ओरल हुड की बात करें तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओरल हुड है। तो ओरल हुड क्या होता है बेटा? ओरल हुड के सबसे पहले आप जान रहे हैं कि एंटीरियर इंड पे क्या है, रोस्ट्रम है। तो रोस्ट्रम के जस्ट नीचे मिड वेंट्रली एक एक स्ट्रक्चर होता है, अपर्चर होता है, जिसको हम माउथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि माउथ इज लार्ज होता है, ओवल होता है, मीडियन अपर्चर है, सिचुएटेड मिड वेंट्रली बिलो रोस्ट्रम एंड बाउंडेड बाय ए फ्रिल लाइक ओरल हुड। तो आप यहां देख सकते हैं ये माउथ है और ये फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोले, ओरल हुड कहें। और ये माउथ किससे बाउंडेड है, ये फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे, ओरल हुड। अब अगर ओरल हुड की बात करें कि ओरल हुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि आपको याद है एंटीरियर इंड जो हमारा, हम जब भी पढ़ रहे थे तो क्या था, याद कीजिए कि एंटीरियर इंड जो हमारा था रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के जस्ट नीचे क्या था, ये फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर था। ये मान लीजिए हमने बनाया आगे का एंटीरियर इंड की, तो ये फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर यही क्या था, रोस्ट्रम, ओरल हुड था। ठीक है, तब ओरल हुड की बात करें तो ओरल हुड क्या है, ओरल हुड फॉर्म्ड बाय ए डॉर्सल और लैटरल प्रोजेक्शन ऑफ एंटीरियर इंड। क्या याद रखना है कि एंटीरियर इंड ऑफ ट्रंक के डॉर्सल और लैटरल पोजीशन क्या हो रहा है, आपका प्रोजेक्शन की वजह से ओरल हुड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओरल हुड को ही हम क्या कहेंगे, ओरल हुड क्या क्या कंटेन करता है, तो जस्ट ओरल हुड कंटेन करता है बकल, कैविटी और उसके और भी सपोर्टिव पार्ट। ठीक है, तो अगर हम स्टडी करेंगे कि ओरल हुड और बकल कैविटी क्या है, तो ओरल हुड कंटेन करता है बकल सिराई, वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल को ही हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। और थर्ड ऑर्गन क्या है, व्हील ऑर्गन। तो व्हील ऑर्गन के बारे में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम बकल सिराई की बात करें तो बकल सिराई क्या है बेटा, बकल सिराई बहुत ही आसान है, क्या है, वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ ओरल हुड। ओरल हुड का जो वेंट्रोलेटरल मार्जिन है, और वो क्या होता है, विथ ए 10-11 पेयर ऑफ टेंटिकल्स विथ सेंसरी पैपिला। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या है, ये ओरल हुड में आपके चारों तरफ क्या है, बकल सिराई है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, बकल सिराई या ओरल टेंटिकल्स। और ये बकल सिराई या ओरल टेंटिकल्स आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग बनाया है। तो ये कितने होते बेटा, 10-11 पेयर होता है। ठीक है, दोनों साइड में आपका एंटीरियरली दोनों साइड में 10-11 पेयर होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो आप हर एक टेंटिकल्स में देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, ऐसे जो स्ट्रक्चर निकला है सेंसरी पैपिला है, और इंटरनली ये सपोर्टेड है आपका रॉड लाइक स्केलेटन, जिसको हम स्केलेटन रॉड कह रहे हैं। ठीक है, और बीच में एक कैविटी है जिसको हम क्या कहेंगे, माउथ की ओपनिंग है, जो लीडिंग करती है वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल को ही हम क्या कहते हैं बेटा, बकल कैविटी। और ये सबसे किनारा क्या है, जो इसके फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या है, इजेस ऑफ ओरल हुड। तो कितना आसान फिगर है ना। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या हो गया, वेस्टिब्यूल, जिसको हम क्या कहेंगे, बकल कैविटी भी कहेंगे, या बकल कैविटी ही है। ठीक है, तो बकल कैविटी के बारे में आप जान ही रहते कि फनल शेप स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी बात करें तो ये टेंटिकल्स हुआ, लेकिन अंदर का जो ये आपकी कैविटी है फनल शेप, ये कैविटी क्या है, बकल कैविटी। ठीक है, तो ओरल हुड इनक्लोजेस ए लार्ज फनल शेप कैविटी। क्या कर रहा है, फनल शेप कैविटी को क्या कर रहा है, आपका इनक्लोज कर रहा है, और उसी में क्या हो रहा है, माउथ ओपन हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं ये माउथ, ये अपर्चर क्या हुआ, माउथ का अपर्चर हुआ। और वेस्टिबुल इंटरनली लाइन रहता है बेटा, एक्टोडर्म से याद रखिएगा, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, यही ट्रू, जहां पे ट्रू माउथ उसी को कहेंगे जहां पे एक्टोडर्म से लाइन रहता है। तो इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, स्टोमोडियम, और यही ओपनिंग होती है, यही पे ओपनिंग होती है माउथ की। थर्ड स्ट्रक्चर व्हील ऑर्गन। तो व्हील ऑर्गन क्या होता है, आप याद कीजिए, जब हम एंटीरियर इंड का, हम लोग एम्फियोक्सिस के एंटीरियर इंड का ये रोस्ट्रम और ये बकल हुड बनाते थे। ठीक है, तो एंटीरियर इंड में क्या था, ये बकल सिराई था बेटा, और बकल सिराई के बाद ये क्या हो रहा, फनल शेप स्ट्रक्चर में जाता था, और यहीं पे ये क्या था बेटा, पार्टीशन, ऐसे आपका व्हील लाइक स्ट्रक्चर था, याद है ना, स्ट्रक्चर कैसा था बेटा, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग था, जो पीछे एक कप लाइक डिप्रेशन होता था। तो यही स्ट्रक्चर क्या हुआ, और जस्ट इसके पीछे एक पार्टीशन होता था, और इसी पार्टीशन में ये यहाँ पे आ गए, आप ये रोस्ट्रम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हेड का एंटीरियर इंड, पोस्टीरियर इंड। तो अगर हम बताते, और यहाँ जस्ट पीछे क्या था आपका, आपका सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, और इसी के पास फिर ये क्या था, ये फेरिंग्स का पार्ट था। ठीक है, तो ये एंटीरियर इंड की जब हम बात करें,
स्ट्रक्चर हम बात करेंगे। तो व्हील ऑर्गन क्या है बेटा? व्हील ऑर्गन अंडर द सरफेस ऑफ ओरल हुड क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है 6 to 8 पेयर फिंगर लाइक फोल्डिंग या पैचेस, ठीक है। और ये सब फोल्डिंग और पैचेस क्या था बेटा? सिलियरी गोब और रिजेस का था। तो यही स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग, इसमें सब में क्या था बेटा? सीलिया प्रेजेंट था, याद रखिये सब में सीलिया प्रेजेंट था। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। 6 to 8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड जिसको हम पैचेस कहेंगे, और ईच जो है आपका सिलियेटेड ग्रुप जो पैचेस होता है वो फॉर्म कैसे रहता है बेटा? सिलियेटेड ग्रुप और जो बाउंड करता है सिलियेटेड रिज, याद रखिये यानी सिलियेटेड ग्रुप है उसमें और वो बाउंड किससे कर रहा बेटा? सिलियेटेड रिजेस से। इसीलिए इस व्हील ऑर्गन को हम क्या कहते हैं बेटा? रोटेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको रोटेटरी ऑर्गन के अलावा हम क्या कहेंगे? मूलर ऑर्गन भी कहेंगे। तो व्हील ऑर्गन क्या होता है? व्हील ऑर्गन मतलब चक्का, आप जान ही रहे चक्के जो हम कहेंगे। तो इसकी सीलिया क्या करती है? व्हील की तरह घूमती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक क्या होता है, वाटर में करंट आता है और जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे मूव करेगी तो क्या करेगा? वो फूड को अंदर ले लेगा। तो यही चीज हुआ, यानी सीलिया इसका फंक्शन क्या हो गया? सीलिया ऑफ व्हील ऑर्गन सेट अप बिल्डिंग ऑफ वाटर करंट, क्या करा? वाटर करंट की बिल्डिंग करा रहा है, या वर्टेक्स ऑफ वाटर करंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? स्वीप द फूड ऑर्गेनिज्म, जो भी वाटर में फूड ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ स्वेप्ट हो जा रहा है? माउथ में, ठीक है। और इस तरह क्या कर रहा है व्हील ऑर्गन का? यही और काम है, यानी फंक्शन क्या है कि वो सीलिया उसका मूव करा रहा है बहुत तेजी से और वाटर करंट के साथ फूड उसके माउथ में आ जा रहा है। इसमें और एक चीज ध्यान याद देने वाला बात है कि जब हम लोग इसके एंटीरियर इंड का बनाए थे तो याद कीजिए कि यहाँ पे जो इसका मिड डॉर्सल था वहां पे कप लाइक डिप्रेशन था जहां पे ये इंड करता था। एंटीरियर इंड की अगर हम अगर बात कर रहे हैं, और ये ओरल हुड है, मान लीजिए रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है, और ये आगे रोस्टम निकला, जगह नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या था? कप लाइक डिप्रेशन था, ठीक है। तो मिड डॉर्सल पैचेस हैज ए सिलिएटेड ग्रूव, और इसी सिलिएटेड ग्रूव को हम क्या कहेंगे? मिड डॉर्सल पैचेस किसका बेटा? मिड डॉर्सल पैचेस इस फिंगर लाइक जो फोल्डिंग है आपका व्हील ऑर्गन का, इसी की पैचेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? हैचेस ग्रुप बोलेंगे। और यही हैचेस ग्रुप जो इसकी जो डिप्रेशन है उसको हैचेस पीट कहेंगे, यानी यहाँ का डिप्रेशन को हम क्या कहें? हैचेस पीट। और इसके मिड डॉर्सल जो ये ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे? हैचेस ग्रुप। और ये क्या होता है बेटा? ये सिलिएटेड इन नेचर होता है, ग्लैंडुलर होता है और सिक्रीट करता है म्यूकस, और ऐसा माना जाता है कि सेंसरी इन नेचर है। आफ्टर डैट वेलम, तो वेलम के बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में भी जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एम्फियोक्सिस वेलम। तो वेलम क्या है बेटा? ये सर्कुलर रिंग लाइक होता है, ठीक है, लेकिन ये रहता कहाँ है? तो जस्ट आपके, आप इस देख सकते हो ओरल हुड के जस्ट पीछे, या बकल कैविटी आप बोल सकते हो, कि बकल कैविटी जो है बाउंडेड रहता है आपका एक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और यही क्या है आपका? वेलम है। तो हम लोग इसकी स्टडी कर ले कि वेलम क्या है। वेस्टिबुल इज बाउंडेड बाय ए सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड वेलम, ठीक है। अब क्या है? इट इज परफोरेटेड बाय ए सर्कुलर अपर्चर, आप देख सकते हैं बीच में एक सर्कुलर अपर्चर है, इसी अपर्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी अपर्चर को हम लोग कहेंगे इंट्रोस्टोम, और ये इंट्रोस्टोम ओपन होता है फैरिंग्स में, इसलिए फैरिंग्स में ओपन होता है, इसलिए इसको कुछ अथर्स ने इसको क्या कहा था कि ये माउथ है, लेकिन ये लाइंड रहता है बेटा इंडोडर्म की वजह से, जबकि एक्टोडर्म ट्रू माउथ हमेशा क्या होता है बेटा? एक्टोडर्म से लाइंड रहता है, सो इट इज नॉट ए ट्रू माउथ। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इसकी स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि वेलम इज कंपोज्ड ऑफ, वेलम किससे कंपोज कर रहा है? आपका वेलर रिंग, आपका ये चारों तरफ आप देख सकते हैं वेलर रिम या रिंग जिसको कह सकते हैं, इसके अंदर मैंने बनाया है ये रेड कलर का स्फिंक्टर, ठीक है, जो इसकी ओपनिंग को, ये जो बीच का इंट्रोस्टोम है इसकी ओपनिंग को गार्ड करेगा, यानी क्या करेगा? खोलने, और स्फिंक्टर मसल्स है, जैसे हम अपने माउथ को खोलने और बंद करने में हमारा मसल्स मदद करता है, वैसे ही ये ओपनिंग को कंट्रोल करेगा। और साथ ही साथ क्या है? अबाउट 12 आपका बैकवर्डली डायरेक्टर वेलर टेंटिकल्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने टेंटिकल्स बनाया है, तो ये टेंटिकल्स मैंने गिन के नहीं बनाया, लेकिन ये आपका कितना हो गया बेटा? 12 ही होगा, हमेशा याद रखिएगा कितना टेंटिकल्स होगा, ये 12 टेंटिकल्स होगा, ठीक है। और इसके पास भी
इसकी तरह जैसे इसके पास ये क्या था कि टेंटिकल्स में क्या था, सेंसरी पैपुला था ओरल हुड में, ठीक है, तो इसके पास भी टेंटिकल्स में क्या होगा, सेंसरी पैपुला होगा, और इसके पास ओरल हुड में क्या था, स्केलेटन रॉड है, लेकिन इसके पास स्केलेटन रॉड नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका एम्फियोक्सिस के वेलम का। तो एम्फियोक्सिस के वेलम में बस सेम सेंट्रिक टेंटिकल्स है, ये 12, इसमें क्या था बेटा 10 to 11 पेयर था ओरल हुड में, लेकिन इसमें 12 बैकवर्डली डायरेक्टेड टेंटिकल्स है, जो क्या है आपका स्केलेटन रॉड से सपोर्टेड नहीं होता है, और सेंसरी पैपुला इसमें भी प्रेजेंट होता है। और इंस्पेक्टर मसल्स, इंस्पेक्टर क्या करता है बेटा, मदद करता है उसके, गार्ड करता है उसकी ओपनिंग, और किसकी ओपनिंग, इंट्रोस्टोम की ओपनिंग। तो आई होप ये वीडियो बहुत ईजी लगा होगा आपको, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।